तो आज की क्लास में हम इस फॉर्मूले के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे कि इस फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। कल हमने बात की थी लॉजिकल कैलकुलेशन और फॉर्मूला मर्जिंग के बारे में। हम बात करेंगे आज इस कंडीशन के बारे में। और जानते हैं इस करता क्या है? क्या है इसका नाम है कि किसी एक कंडीशन को चेक करो, अगर वो है तो ठीक, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट दे, अगर वो नहीं है तो उसके जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे एक डेटा एंट्री करता हूँ, उसमें मेन मिलता हूँ और आईडी लिखा, नेम लिखा, एड्रेस लिखा, F110 दिल्ली लिखा, तो ये सिटी हम यहाँ पर देखो। फिर मुझे यहाँ पर दूसरा डेटा डालना है, तो हमें हर बार यहाँ पे सिक्वल डालना होता है कि दो, फिर ऐसे तीन चार पांच करना हो। तो मैं चाहता हूँ कि सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ जाए। सीरियल नंबर क्या आ जाए? हमारा ऑटोमेटिक आ जाए। तो यहाँ पे कंडीशन देंगे इसका, इफ अगर सामने वाले वैल्यू जो कि B3 है वो ग्रेटर देन 0 है। अब ग्रेटर देन 0 क्यों किया? क्योंकि एक्सेल में ब्लैंक सेल 0 कहलाता है। एक्सेल में ब्लैंक सेल हमारा 0 कहलाता है। तो ग्रेटर देन 0 मतलब कि कुछ ना कुछ टाइप है। तो एक 1 है ऊपर वाले, उसमें +1 कर दो, अदरवाइज ब्लैंक कर दो। ब्लैंक के लिए क्या किया? डबल कोटेशन मार्क को ओपन किया एंड डबल कोटेशन मार्क को हमने क्लोज किया, ये क्या हो गया? ब्लैंक हो गया। और एंटर प्रेस कीजिए, देखिए आ गया। अब इसी को कॉपी करके नीचे की तरफ पेस्ट कर दिया। तो आपको दिख रहा होगा कि ब्लैंक है और इसके अंदर डाला है फॉर्मूला। इसके अंदर क्या डाला है? फॉर्मूला डाला है, कॉपी पेस्ट कर दिया, फॉर्मूला डाला है। अब जैसे मैं यहाँ लिखूंगा, जैसे मैं लिखा यहाँ पे पूजा, एक सीरियल नंबर आ गया, मैं डाला इन द, सीरियल नंबर आ गया, मैं डाला पूजा है आगे। देखिए सीधे समझिए क्या है, जैसे यहाँ पे सेल्स है, अब मुझे क्या करना है कि ग्रेटर देन 50 हो तो 100 है, सिंपल। अब यहाँ पे हमने लगाया कि इफ सेलेक्ट किया सेल्स को ग्रेटर देन 50 दिया और अपना रिजल्ट 100 हो। जैसे कि मैं कल बताया था, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि ये जो बड़ी ब्रैकेट में होता है वो क्या होता है? ऑप्शनल होता है। वो ऑप्शनल होता है, डालिएगा तब आपको अकॉर्डिंग, डालिएगा तब आपको अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, नहीं तो डिफॉल्ट आएगा। तो यहीं पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो 100 दिखा, लेकिन नीचे देखेंगे तो आपको फॉल्स फॉल्स फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे इसने चेक किया कि क्या A15 ग्रेटर देन 100 है। ग्रेटर देन 100 नहीं था, इस कारण से हमने यहाँ पर फॉल्स भी मुझे डाला हुआ था। तो यहाँ पे आप देखिए 100 जो है वो आ गया ऐसे ही, क्या आ गया? ऐसे ही। एंटर प्रेस कीजिए, आपका फॉल्स आ गया, ठीक है। तो आपको फॉल्स रिजल्ट नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो रिजल्ट हम डाले वो आए फॉल्स रिजल्ट ना आए, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे हम जो है वहां देंगे, वहां यहाँ पे देंगे 0। क्या हम क्या डालना चाहते हैं? रिजल्ट आपका 100 आया, नीचे तक डिजाइन कीजिए, सब फॉल्स के जवाब 0 आ गया। मतलब आप डालिएगा तो रिजल्ट आएगा, अगर आप नहीं डालिएगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम सीरियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि मैं चाहता हूँ कि जो और यहाँ पे दिखे, कि जो मैं यहाँ डालू कि 5 से 25 के बीच का जो सीरियल नंबर वो दिखे, बाकी ना दिखे, या जो भी नंबर में डालू स्टार्टिंग है नहीं, तो सीरियल नंबर लिखना चाहिए, अदरवाइज सीरियल नंबर नहीं लिखना चाहिए। यहाँ पे इक्वल करके मैंने 5 को सेलेक्ट कर दिया, ताकि जो भी स्टार्टिंग नंबर होगा
यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन में दिया मैंने कि एक ठीक If, हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, बोला कि अगर ए ग्रेटर देन, नहीं इसके प्लस वन करने पे, इस फाइव पे प्लस वन करने पे अगर ग्रेटर देन है 25, ऐसा हुआ तो ब्लैंक हो जाए, नहीं तो फाइव में प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार रिपीट करेंगे फॉर्मूला वाला। हमने बोला कि G8 जो फाइल है G8 है उसमें प्लस वन करने पे क्या वो ग्रेटर देन J3 में जो स्टॉपिंग नंबर है उससे बड़ा है। अगर बड़ा है तो यहाँ पे ब्लैंक शो करो, नहीं तो सीक्वेंस नंबर को कंटिन्यू करो। ठीक है, अब J3 मेरा एक फिक्स लोकेशन है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा फ्री, एयरपोर्ट रेस करूंगा फ्री हो जाएगा। अब मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा, आप देखेंगे कि कंटिन्यू नीचे की तरफ हमारा सीक्वेंस बनता जा रहा है, लेकिन जैसे ही 25 जो है बढ़ा गया, यहाँ देखिए ब्लैंक ये एरर है। एरर क्यों है? एरर आने के पीछे रीजन है कि ये क्या है, ब्लाइंड है। तो हमने इनवर्टर कॉमा ओपन क्लोज किया है, इनवर्टर कॉमा का यूज की जा रही है जब टेक्स्ट होता है। क्या सर? हम इनवर्टर कॉमा तभी यूज करते हैं ना जब टेक्स्ट होता है। हाँ तो जी सर, अब टेक्स्ट ऐसा होने से क्या हुआ है, टेक्स्ट कैटेगरी हो गए, इसकी कैटेगरी क्या हो गई, टेक्स्ट हो गई। और कैटेगरी टेक्स्ट हो जाने के कारण क्या हुआ कि इसके ऊपर जब भी कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, वो आपको एरर शो कर रहा है। क्योंकि सिंपल सी बात है कि किसी भी मैथमेटिकल कंडीशन के अंदर हम जो है टेक्स्ट नहीं डाल सकते। ठीक है, तो क्या करें इसके लिए, तो हमारे पास इफ का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, इफ का। यहाँ पे हमने इफ एरर, सॉरी इफ मान लीजिए इसमें इफ एरर। अब इफ एरर फॉर्मूला रहता है कि मुझे दो कंडीशन, मुझे क्या दो, दो कंडीशन दो। अगर दोनों कंडीशंस में, दो जो कंडीशन आप दे रहे हो, अगर दोनों कंडीशंस में एरर है तो मैं एरर दूंगा, और पहले बार में एरर होगा दूसरा शो करूंगा। तो मैंने यहाँ पे ड्राइव, तो इसका फॉर्मूला अगर एरर दिया, इसका फॉर्मूला अगर एरर दिया तो ब्लैंक शो करेगा, नहीं तो जो एरर फॉर्मूला जो दिया है उसको शो करें। एरर प्रेस कीजिए, नीचे तक ड्रैग कीजिए, या ब्लैंक हो गया सर, और नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। इससे क्या हुआ कि आपका सीक्वेंस बन गया। अगर करके रेडी में मैं 5 40 करता हूँ तो देखिए रिजल्ट 40 तक आ गया। मुझे यहाँ पे 30 से 40 करना है तो 30 से 40 कर, 30 से 40 समझे। अब अनिल जी, सुरेश जी, अनमैन, आपको समझ में आया फॉर्मूला, कोई डाउट उसमें? मतलब क्या बोलते हैं, अगर 30 या 40 का है तो उसके बाद जो एरर शो नहीं करेगा, ब्लैंक टू ब्लैंक होगा। इस एरर के थ्रू, इस एरर के थ्रू बनाया। ठीक है, सुजीत जी, हाँ
सुनील मैडम, दूसरी चीज पूछना था सर, ये जो आपने फ्रीज किया ना J3 को, तो मैं ये पूछना था, जैसे कई बार हम क्या करते हैं कि आपने 3 को फ्रीज किया, अभी आपने टोटल को फ्रीज किया, यहाँ भी डॉलर का साइन लगा दे, यहाँ भी, तो ये ओके किस हमारा कंडीशन में फ्रीज करते हैं सर? है, चलिए हमारा फ्रीज है। देखिए उस डॉट के लिए सिंपल सा बात है, एक सेल ड्राइव कीजिए और देखिए कौन कौन इंडेक्स पढ़ रहा है, कौन इंडेक्स नहीं पढ़ रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है उसको क्लिक कर दीजिए। नहीं, कुछ फॉर्मूलों में ना, जैसे हम करते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं कि मैं अगर सिचुएशन जे सुनिए, वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना कि आप जो फॉर्मूला लगा रहे हो। ये चीज मैं आपको दूसरी क्लास सुनाया था, ये देखिए आप, ये चीज मैंने समझाया था, शायद उस समय ध्यान आपने नहीं दिया था। देखिए मुझे इस पे टेबल लिखना है, तो मैंने क्या किया, 5 × 2 कर दिया, राइट, क्या किया, 5 × 2 राइट कर दिया, 3 आ गया। अब मुझे इसको नीचे ड्रैग करना है, जब मैं नीचे ड्रैग किया तो मैंने बिल्कुल पाया, क्या पाया, मैंने पाया जो 5 था वो 10 हो गया, और जो 2 था वो 3 हो गया। अब जो 2 है वो 3 जी हुआ, मतलब कि C14 हुआ, ये तो ठीक है, तो होना चाहिए, लेकिन D13 का है, D13 तो नहीं होना चाहिए था, D12 ही रहना चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे D12 को कर दिया फ्रीज, तो सिर्फ 12 को फ्रीज किया, D को नहीं, ठीक है। अब मैंने ऊपर से नीचे ड्रैग करके देखा तो रिजल्ट सही है, लेकिन जैसे ही हमने इधर ड्रैग किया तो हमारा रिजल्ट गलत हो गया, मतलब जो 5 था वो 7 हो गया, मतलब कि जो D12 जो हमारा ये था, क्या बोलते हैं, D12 था वो जो है E12 हो गया, वो तो सही है, लेकिन ये आपका D33 से D क्यों हो गया, तो 2 ही रहना चाहिए था ना, तो हम क्या करेंगे, जी इसके आगे दौरा लगा देंगे, मतलब कि हम C के आगे दौरा लगा देंगे। आप इसको आगे ड्रैग कीजिए, हो गया। तो डॉलर कहाँ लगाना है वो डिपेंड करता है कि फॉर्मूला कैसे लगाया है और ड्रैग कहाँ करना चाहते हैं। तो जो सबसे अच्छा उपाय है कि आप एक लेफ्ट में और एक राइट में ड्रैग कर लीजिए, और जो जो रेंज बढ़ रहा है तो देखिए कि ये रेंज क्यों बढ़ा है, तो नहीं बढ़ना चाहिए था। जी ठीक है, समझ में आया आपको? हेलो, जी सर चलिए जी सर जी सर, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी क्या है कि मैंने कुछ नाम लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ द नेम, और इस लिस्ट नेम को मैंने क्या कर दिया है, शॉर्ट कर दिया, क्या कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है इसमें कि सीक्वेंस ये करना है, पहले तो मुझे डुप्लीकेट और यूनिक देना है, पहला जो है वो यू होना चाहिए, बाकी होना चाहिए टी, ठीक है, फिर यहाँ पे यू और फिर यहाँ पे डी, कैसे है? तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे एफ, ये जो नेम है क्या वो बराबर है अपने ऊपर वाले से, अगर अपने ऊपर वाले से बराबर है तो यहाँ पे डी आए, नहीं तो यहाँ पे यू आ, ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक और नीचे ड्रैग कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा आपको। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं था, नहीं था सर, हाँ जी सर, यूनिक एंड डुप्लीकेट्स आ गए। अब थोड़ा सा और हम बात करते हैं सीक्वेंस नंबर में, सीक्वेंस जैसे मुझे करना है यहाँ पे 1 2, यहाँ पे और 3 4 5 6 7, यहाँ पे वापस 1, ठीक है।
अगर ए बराबर है अपने ऊपर वाले से तो अपने ऊपर वाले में तो लास्ट वन कर दे, नहीं तो वन से शुरू कर ध्यान से। अब इसको नीचे तक आ गया सर, अनिल जी समझ आया? सर ये एक और बार समझाइएगा प्लीज। अनिल बोला कि अगर दोनों नाम आपस में बराबर है तो जहां फॉर्मूला लग रहा है वहां ऊपर वाले वैल्यू में प्लस वन कर दो, नहीं तो वन से क्लियरेंस करो। यहाँ पे क्या हुआ कि अजीत और नेम आपस में बराबर नहीं है तो इसने वन दे दिया। अब यहाँ क्या है तो देखें कि अजीत और अजीत बराबर है, इसने ऊपर वाले वैल्यू में प्लस वन कर दिया और सेम चीज को सिक्वेंस देते चला गया। यहाँ आया देखा कि देव और अजीत आपस में बराबर नहीं है, इसने क्या किया, इसने फॉल्स वाला पार्ट पे चला, समझे? लेकिन सर अनिल जी समझ आया? जी सर। तो यहाँ आप इसको समझे, इस क्या करता है? हाँ जी सुजीत जी, मेरे को एक चीज पूछना था इसी में। सपोज करो कुछ हमारे पास इस तरह के कोई डाटा है जिसमें पॉइंट लगा हुआ है। सपोज करो कोई डाटा स्टार्ट होता है 010499। अगर मेरे को फॉर्मूला लगाना है कि भाई ये जो ए वन है अगर स्टार्ट होता है 010.499 देन ये प्रोडक्ट होगा, अगर नहीं है तो कुछ नहीं होगा। नहीं क्या है आपका, आपका पॉइंट्स में लिखा है या नंबर में लिखा हुआ है? नहीं पॉइंट्स में लिखा हुआ है सर। क्या लिखा हुआ? 0.010 0.499 तो आप क्या कोई भी अगर मैं ये चाहता हूँ कि सर अगर कोई भी नंबर इस रेंज में स्टार्ट होते हैं किस रेंज में तो वो अगर मैं जो मैंने आपको लिखवाया है ये स्टार्टिंग के अगर करेक्टर ये हैं तो अगर मैं चाहता हूँ अगर ये है इस रो में इसके आगे और भी हो सकते हैं ना। हाँ और भी हो सकते हैं ना सर, अगर ये नहीं है तो ये नहीं है तो ब्लैंक छोड़ना है सर, मैं ये कह रहा था। मतलब आप चाहते हैं कि 101.499 एक कंप्लीट मैच करना है या 101 तो भी कुछ भी हो सकता है, बाद में कुछ भी हो सकता है करेक्टर, लेकिन स्टार्टिंग के जो ये 7 डिजिट है ये होने चाहिए सर। 101.99 होने ही चाहिए, राइट? राइट सर। तो यहाँ पे आप एक इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला लेफ्ट का। किसका? लेफ्ट। लेफ्ट फॉर्मूला से आप जो है 6-7 डिजिट अलग कीजिए। क्या अलग कीजिए? 7 डिजिट। आ गया। अब इसके अंदर फॉर्मूला लगाइए, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि इफ लेफ्ट फॉर्मूला इज इक्वल टू इन द इनवर्टर कॉमा 101.499 और ऐसा होता है तो ओके,
अगर भाई जो भी मैसेज देना चाहते हो, जो भी दिक्कत देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, ठीक है? समझ ठीक गए? जी लेकिन आप सर। चाहते हैं कि नहीं, 01101.499 से छोटा होना चाहिए, तो लेस देन ग्रेटर देन लगेगा, फिर नंबर यूज नहीं लगेगा। ओके सर, थैंक यू, समझ गया सर। लेफ्ट का आप फॉर्मूला लगे, ठीक है भारत जी को सर, बता रहे समझ गया सर। लेफ्ट से कोई भी करेक्टर जितने लेने हैं वहां पे हो? लेफ्ट का फॉर्मूला लगा के देन हम इफ कंडीशन लगाएंगे ना। जी हाँ बिल्कुल। लेफ्ट से जो डिजिट है ना, वो डिजिट बाहर निकाल देगा, क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। ओके सर, थैंक यू। मुझे कम से कम 10 एग्जाम्पल दीजिए इस फॉर्मूला के, टोटल 10 एग्जाम्पल, और इसके लिए आपको एक आर्टिकल भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? देखिए, एक्सेल ये है, वेबसाइट है, उसमें इस फॉर्मूला के थोड़ा सा एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो आपको मैं वो लिंक भेज रहा हूँ, उसको आप एक बार स्टडी, ठीक है? इस फॉर्मूला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और बगैर इसके नॉट एक्सेल, एक्सेल भी नहीं, किसी भी सॉफ्टवेयर में, चाहे पाइथन हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, या जावा हो, या गूगल सीट हो, या कोसेंटनी हो, हर जगहों पे आपका ये वर्क करेगा। एक बार आप जो मैंने लिंक भेजा है उस लिंक को पढ़िए, पढ़ने के बाद मुझे 8 से 10 एग्जाम्पल